अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स, सबसे पहले जैसे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। हाँ जी, तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग आप लोगों को देख कर अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का व्लॉग किस चीज़ का व्लॉग है। सॉरी, थोड़ी मैं लेट हो गई हूँ, व्लॉग अपलोड मुझसे नहीं हो सका क्योंकि एडिटिंग नहीं की हुई थी मैंने, तो इसलिए ना व्लॉग मैंने जल्दी अपलोड नहीं किया थोड़ी मसरूफियात की वजह से। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जी मेरे घर रजब से एक दिन पहले जी मिस्त्री लगा दिए हैं, क्योंकि जो घर की दीवारें वगैरह थी ना वो सारी रिपेयर करवाई हैं। कलर पहले जो हुआ था उसके साथ जो सीमेंट वगैरह होती है ना दीवारों की, मतलब जो गली वाली दीवारें थी सारी वो नीचे गिर गई थी, सेम की वजह से ना सारी सीमेंट वगैरह नीचे गिर गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा इसको रिपेयर करवा दें। मिस्त्री के पास टाइम नहीं था तो उसने हमें फ्राइडे का टाइम दिया था, तो न्याज से एक दिन पहले मेरे घर लग गए थे मिस्त्री। हाँ जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन जो न्याज का सामान है ना वो यहाँ पे हलवा वगैरह तैयार हो गया है और यहाँ पे छोले भी बॉयल हो गए हैं। और यहाँ पे जी अब मैं बना रही हूँ राइस चिकन। आज हमें बिल्कुल पूरी मार्केट से नहीं मिला क्योंकि शायद हम लेट हो गए थे और न्याज की वजह से, तो मैंने राइस बनाने थे रात को, तो फिर बीफ ले आए हैं, बीफ मंगवाया है और उसको प्रेशर कुकर की हीट दी है। और हीट देने के बाद जो है ना अब मैं इसको यहाँ पर राइस बने हुए हैं। और जी व्यूअर्स, यहाँ पर देखें आप, ये जी छोले बॉयल कर लिए हैं दही भल्लों के लिए। और उसके बाद ये आलू जो हैं ये बॉयल किए हुए हैं दही भल्लों के लिए। और असफंद को देखें, आगे भूख लगी है मेरे बेटे को हैं? बस पुप्पो ना थोड़ी सी देर है, राइस बन रहे हैं, ठीक है, सोना नहीं है सच। यहाँ ये देखें जी, जहाँ पे जी व्यूअर्स हलवा जो है ना दो कलर का बना है, मतलब एक थोड़ा व्हाइट बना है और एक की जो चास थी ना वो रेड हो गई है। ये किसने चुमिया किसने की है? लड़कियों से किसियां करवाई है तूने, बदतमीज ने? लिपस्टिक लगी हुई है फेस पे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह भी आज है, इधर हेलो हेलो बोलो व्यूअर्स को, हेलो कहो, तेरा रजब बहुत बहुत मुबारक हो, रजब मुबारक हो, मुबारक हो। तो व्यूअर्स, आप लोगों से हलवा और टिकड़े अभी बन रहे हैं, हलवा टिकड़ी बन रही है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, वो वाले पिछले करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स देखें जी, यहाँ पे असम की बातें आप लोगों ने सुनी है और यहाँ पे तकरीबन राइस जो है ना अभी तैयार नहीं हुए, ये बात नहीं कही जा सकती। आए चले जी इसके भाई से मिलते हैं, आ जाओ। हाँ, यहाँ पे जी सोया हुआ है ये जी, एक बच्चा जो है ना ये सोया हुआ है, ये उठ जाता है बार बार, कोई इंतहा नहीं है। ये जी असफन से मिले, हाँ इसे कहो लाइक करो, इसे कहो ना लाइक करो, लाइक करो, फॉलो करो, फॉलो करो, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हाँ सब्सक्राइब करें। ओके हो गया, ओके 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 हो गया, ओके हवला खाने, हवला खाने आ जा, आओ हवला खाते हैं। तो व्यूअर्स, असफन हवला खा रहा है, नियाज से पहले ही हवला खा रहा है, हवला। व्यूअर्स आप लोगों को पता है हवला क्या होता है? आ जाओ चलो हलवा खाते हैं। क्या खा रहा है तू अब? हवला खा रहा है, है? हवला खा रहा है तू? ये मैंने व्लॉग बना रही हूँ ना, फिर तू यूट्यूब पे आएगा, पता है तुझे? नहीं पता? पता। अच्छा चलो, दानी थी तो ठीक है, चाह वाला सलाई ना हसन आंदा चंगा ता है नहीं, तो इथो वाले जाओ लेवा बन मजना ठीक है, ठीक है तो कुछ नहीं हूं लगता है ठीक है। मैडम
हाँ जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें तकरीबन टाइम हो गया 11 का और टिकड़े हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं सारे। माशाल्लाह से देखें सारे टिकड़े तैयार हो गए हैं और सुबह इंशाल्लाह इन पे फिर कहानी पढ़ेंगे। ये हलवा है, पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये दो कलर में बन गया है, मतलब एक की चास थोड़ी रेड हो गई है और दूसरा है ये वाइट। ये ऐसे बना, ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का हलवा है। हाँ जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे सारी नियाज तैयार हो चुकी है और यहाँ पे जी दही बल्लों का सामान बन रहा है, आलू बॉयल हो गए हैं और ये छिलके उतार रहे हैं फातिमा उससे। बस टाइम इतना ज़्यादा हो गया है ना, मुझसे अब बोला नहीं जाता। जैसा ये सारी चीज़ें तैयार होंगी फिर सुबह या मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से नींद आई हुई है। ठीक है व्यूअर्स। हाँ जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज नियाज है, मतलब नियाज से एक दिन पहले की ये 12 रजब का व्लॉग है। मतलब इस रात जो सारी चीज़ें बनाई हैं, तो सॉरी ये नींद में ना बिल्कुल दिमाग मेरा आउट हो गया है। 12 रजब 13 रजब नहीं है, 22 रजब है। तो नींद की वजह से इतना बुरा हाल है ना कि बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि आज क्या डेट है। तो व्यूवर्स डेट नहीं सॉरी चांद की क्या है, आज 21 रजब है। तो 21 को बनाई है, सुबह 22 है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सारी नियाज आप लोगों के सामने तैयार होके आ चुकी है जो कि हम लोगों ने बना ली है। और यहाँ पे जी देखें ये आलू वगैरह बॉयल हो रहे हैं, बॉयल हो गए हैं और अब छिलके उतार रहे हैं। दही बल्लों का जो सामान सब्ज़ी वगैरह बाहर धो के रखी है वो उसे काटना है और फिर हर चीज़ काट के रखेंगे और दही बल्ले सुबह इंशाल्लाह फिर दही इसमें सुबह डालेंगे, क्योंकि रात को अगर बनाएं तो ख़राब हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है व्यूअर्स, तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। कल का जैसा मुझ से हो सका व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और बाकी की बातें सुबह करेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है, अब नींद में इतना दिमाग ख़राब है कि पता ही नहीं है 13 रजब है या 22 रजब है, इतना ज़्यादा भूल गई हूँ। इब्राहिम हाँ पानी का जग कौन भरा, बोतल भर के रख जा मान नहीं नहीं जग शीशे वाला भंसे। इधर देख सुबह सुबह ये देखो नियाज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इधर देखो इब्राहिम, इधर देखो तो कपड़े दिखाओ। अभी बिस्मिल्ला, ये कितनी शैतानियां करता है सुबह सुबह, क्या कर रहा है? अभी खा हुआ है, अभी दही बल्लू में गिर गया, पतीले में गिर गया है। ओए छलांग लगा दिया ऊपर, देख तो अभी फूफो को देखो, फूफो को देखो, अभी अभी फूफो को देखो, अभी ओए फूफो को देखो यार। बकरे कोई नहीं पा के नहीं क्या करे, मैं भी चवाड़ दूंगा।